हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ब्लाउज की कटिंग पहले से कर कर रख दी, जिसकी लंबाई है 11 इंच और फिर मैं 3 इंच ऊपर से ले रही हूँ। हल्का सा गोल गला करूँगी और गोल गला करने के बाद फ्रेंड्स मैं अब इसकी डिज़ाइन लूँगी। तो डिज़ाइन देने के लिए इसे मैंने 3 इंच नीचे से लिया है और लेने के बाद फिर इसको मैं इस तरीके से अपने हाथ की भी उससे कर सकती हूँ, और या तो आप स्केल के द्वारा भी कर सकते हैं इस तरीके से डिज़ाइन। तो ऐसे डिज़ाइन करके मैं इस ब्लाउज को डिज़ाइनिंग ब्लाउज देने वाली हूँ, ठीक है। तो हल्का सा ऐसे शेप दे के और तब मैं इसकी डिज़ाइन अच्छे से बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सिंपल डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और फिर से ना ये बिना पेस्टिंग पेपर के भी बहुत आसानी से बन सकता है। तो बिना पेस्टिंग पेपर के आप ये डिज़ाइनिंग ब्लाउज ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत प्यारा बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको दोनों तरफ से डेकोरेट वो कर देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ अच्छे से। ड्रॉ करने से ये होगा ना कि हमें ना अपना ड्रॉ दिखाई देगा, तो उसी पर हमें स्टिच चलाना में आसानी होगी। तो अब मैंने इसको ड्रॉ करने के बाद इसको इसके ऊपर मैं रख दे रही हूँ और रख के अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ हाथ से, ताकि ये मतलब बराबर कपड़ा हमारा अस्तर वाला और फिर प्लस ब्लाउज का दोनों कपड़ा हमारा बराबर बैठ जाए। उसके बाद मैं पिनअप कर लूँगी, चाहे तो आप छोटे छोटे पिनअप से कर सकते हैं, और बड़ा पिन हो तो आप जिस तरीके से आप लोग को अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको अच्छे से वो कर सकते हैं, ठीक है। सेट कर से और सेट करने के बाद आप इसको स्टिच करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस पर सिलाई दे रही हूँ, और सिलाई देने के बाद फ्रेंड्स जो डोरी है मैं इसी के ऊपर लगा लूँगी अभी, ठीक है। मैं बाद के लिए नहीं रखूँगी, अभी अटैच कर लूँगी। अभी अटैच करने से ये होता है ना कि ना डोरी बहुत अच्छी अटैच होती है और फिर ना फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने डोरी को इसी के साथ अटैच कर लिया है। डोरी को अटैच करने के बाद मैं जहाँ जहाँ ड्रॉ कर रखी थी वहाँ वहाँ पर मैं स्टिच अच्छे से चला दे रही हूँ इस तरीके से। अच्छे से मैं ड्रॉ जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे मैं स्टिच चला दे रही हूँ। दूसरी डोरी में भी मैं अच्छे से अटैच कर दूँगी, और दूसरी डोरी अटैच करने के बाद मैं सिलाई पूरी कंप्लीट कर लूँगी अपनी। सिलाई कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अंदर ही अंदर सिलाई भी हो गई और बिना पेस्टिंग पेपर के भी हो गया, और फिर फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो आपका ये तीनों काम ना एक साथ ही हो जाएगा अगर इस तरीके से आप अपने ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं तो बहुत है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फुल देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो जहाँ पे मैंने स्टिच कर रखा था उसको मैं दोनों पार्ट को अलग अलग कर ले रही हूँ, ताकि मेरे धागे कटे नहीं, तो डोरी कटे नहीं। अब हम इसको अच्छे से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम कहीं कहीं कट लगा देंगे कॉर्नर इसके अच्छे से खुल जाने के लिए। अच्छे से कॉर्नर खुल जाने के लिए इसकी कटिंग हम अच्छे से कर देंगे। तो इस तरीके से हम कट लगा देंगे, और कट लगाने के बाद फ्रेंड्स हम नीचे की भी स्टिचिंग को पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये अंदर अंदर इसको भी स्टिच कर देंगे कि इसकी भी सिलाई अंदर अंदर लॉक हो जाए, बंद हो जाए, और फिर से फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो इसीलिए ये लॉक से सिलाई करने से ये होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैंने सिलाई कर दी, अब मैं इसको पलट दूँगी। पलटने के बाद हम इसको फिर इसके गले की स्टिचिंग को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको पलट रही हूँ, मैंने पलट दिया। पलट के इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल देंगे हाथ की हेल्प से प्रेस कर करके, और उसके बाद हम इसको अच्छे से सिलाई दे देंगे। तो सिलाई देने के लिए फ्रेंड्स मैं फिर से इस पर एक सिलाई चला दूँगी। एक सिलाई चलाने के बाद हाथ की हेल्प से प्रेस कर करके हम इसको अच्छे से सिलाई दे देंगे। इसकी कॉर्नर अच्छे से निकल जाए इसलिए हमें हाथ अच्छे से निकाल निकाल के उसके बाद हमें सिलाई देनी होगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान डिज़ाइन हैगा, और आप चाहे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इस तरीके से हमारा गला पूरा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं अगर आपको सिंपल रखना है, और नहीं तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं लेस से। तो फ्रेंड्स मैं ये पट्टी लगा के इसको तिकोनी पट्टी बना बना के
तो इस तरह की ढाई ढाई इंच की पट्टियाँ निकाल निकाल के, और उसकी तिकोनी पट्टी दोनों साइड से ढाई ढाई इंची, मतलब चारों साइड से ढाई ढाई इंची करके, और पट्टियाँ मैं कट करके निकाल लूँगी, सात आठ पट्टियाँ और चौकोल चौकोल पट्टियाँ, और उसके बाद फिर मैं इसकी तिकोनी पट्टी बनाऊँगी। इस तरीके से हम तिकोनी पट्टी निकाल बनाएंगे इसकी। तिकोनी पट्टियां हमारी पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम इस पे गले पे इसको अच्छे से देंगे, बना देंगे। हमारी पट्टियाँ पूरी कंप्लीट हो गई है, अब इसके बाद हम इसके गले पे देंगे नीचे से, तो इस तरीके से आराम आराम से हम इसको अच्छे से सिल लेंगे। अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे, उसके बाद हम इसको इस तरीके से अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसको पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया अच्छे से। अब ज्वाइंट करने के बाद हम इसको गले को अच्छे से लैस से डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो अपने अनुसार जैसे आपको लैस पट्टी पसंद हो उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो पूरे गले पे लैस लगा सकते हैं, पर मैं नीचे ही सिर्फ लगा रही हूँ, ठीक है? तो आप अपने अनुसार लैस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लैस लगा के इसको फ्रेंड्स कंप्लीट कर दिया हैगा, ठीक है? आप चाहे तो पूरा, अगर आपको मन है तो पूरा लगा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का आपको डिज़ाइन चाहे जो भी चीज़ का हो तो आप मुझसे पूछ के वो कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोग की बात कर जो भी आप कमेंट करेंगे तो उस कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय फ्रेंड्स।